नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। दो मिनट में 10 खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि, कोलकाता में किया रोड शो। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इंकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस, डिफॉल्ट बेल पर मांगा जवाब। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी बड़ी राहत, रंजीत सिंह हत्याकांड में किया बल। चंडीगढ़ से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह हुई हादसे का शिकार, सम्मान में सिक्कों से तौला जा रहा था तराजू, टूटकर गिरने से सिर में लगी चोट। मिजोरम की खदान में भीषण हादसा, 10 लोगों की मौत, कई लापता लोगों की तलाश जारी, स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में नहीं था एक भी अग्निशामक यंत्र, हादसे की कई बड़ी लापरवाही आई सामने। केकेआर की फाइनल में जीत के बाद खिलाड़ियों ने आपस में की मस्ती, 8 विकेट से जीत दर्ज कर आईपीएल का खिताब किया अपने नाम। अभिनेता शाहिद कपूर ने खरीदा मुंबई में आलीशान घर, एक्टर की फिल्मों के बजट से ज्यादा है कीमत। भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, 48 के पार पहुंचा पारा, कई जिलों में रेड अलर्ट, गर्मी और लू से 6 की मौत। मेरे साथ 2 मिनट में 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।